प्रवलेंस एंड को मोबिडिटी सो नाओ वी विल सी कि मेजर डिप्रेसिव डिस है वो जनरल पॉपुलेशन में कित, कितना प्रिवेल uh, कर रहा है और एडोल्सन्स के अंदर उसकी प्रेवलेंस रेट क्या है इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन से ऐसे डिसऑर्डर हैं जो कि को अकर कर सकते हैं विद मेजर डिप्रेसिव डिस वी विल गो विद द प्रेवलेंस सो ट्वेल्थ मंथ प्रेवलेंस मेजर डिप्रेसिव डिस की एटीन टू ट्वेंटी नाइन य ओल्ड इंडिविजुअल्स के अंदर सेवन परसेंट जो है वो रिपोर्ट की गई है और ये प्रेवलेंस जो है ये हायर है एटलीस्ट थ्री टाइम्स देन सिक्सटी ईयर्स और ओल्डर की एक केस अगर आप कंपेयर करें फीमेल के अंदर रेट जो है वो हायर है देन मेल्स ठीक है तो ये जो डिप्रेशन है वो फीमेल्स ज़्यादा रिपोर्ट करती हैं फिर अगर आप देखें फोर टू एट ईयर के जो यूथ है उसके अंदर इसकी रेशो जो है वो टू परसेंट से एट परसेंट के दरम्यान में प्रिवेल कर रही है देन वी विल सी द कोमोबिडिटी कोमोबिडिटी के अंदर आप ये सारे डिसऑर्डर्स देख रहे हैं जिसमें सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर है जिनको बच्चों को या एडॉलसनस को खासतौर पर एडोलसन को ये प्रॉब्लम होगा तो ये हो सकता है कि वो सब्सटेंस किसी ना किसी किस्म का यूज़ कर रहे हो तो आपने ये भी देखना है कि उनके अंदर कोई इसकी हिस्ट्री तो नहीं है न आमतौर पर जो इन्जाइटी है uh, जिस तरह डिफरेंट किस्म के फीयर्स हैं फोबियास हैं सोशल इन्जाइटी है ये भी सर्टन टाइम जो डिप्रेशन के uh, साथ चिल्ड्रन या एडोल्स आपके पास आते हैं उनके अंदर प्रिवेल कर रही होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसके अंदर ऑब्सेशन का क्या मतलब है कि इंक्रूसिव थाट्स हैं जो कि रिपीटेटिव हैं और बार बार आ रहे हैं कंपल्शन का क्या मतलब है कि कुछ ऐसे एक्ट्स हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बार बार की जा रही हैं और जिनको बार बार करने से और एक स्पेसिफिक नंबर पे ही करने से जो है वो तसली महसूस होती है तो दैट इज़ दो सी डी तो समाइम ओ सी डी के जो क्लाइंट होता है उसके साथ भी डिप्रेशन देखने में आता है तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि ये तो उसके साथ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा इसी तरह एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बोलेमा नर्वोसा जो कि बेसिकली ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं एक के अंदर बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है दूसरे के अंदर पर्ज ईटिंग होती है तो इस किस्म के अगर उसके अंदर पर्ज नहीं बिन ईटिंग होती है एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर वेट लॉस होता है और बोलेमा नर्वोसा के अंदर बिन ईटिंग होती है तो अगर ये दो डिसऑर्डर्स हैं तो इसके साथ भी सर्टन टाइम डिप्रेशन जो है वो मैनिफेस्ट होता है देन द बॉर्डर लाइन पर्सनलिटी डिसऑर्डर बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मोस्टली चूँकि एडल्टुड में मैनिफेस्ट होता है तो 18 और 19 इयर्स में जो कि हम कहते हैं लेट एडोलेसेंस और अर्ली एडल्टुड उसमें अगर कोई बच्चा आपके पास आया है तो यू नीड टू बी क्लैरिफाई कि कहीं उसको बच्चा जो है वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरफ तो मूव नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर भी जो मूड स्विंग्स हैं वो बड़े रैपिड देखने में आते हैं तो ये सारे डिसऑर्डर्स हैं जो कि कोमोबिट कर सकते हैं मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर के साथ